नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। रोडवेज बसों की हुई आमने सामने की भिड़ंत, 50 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 यात्रियों की मौके पे हुई मौत, दोनों रोडवेज बसों के उड़े पर खच्चे। बदायूं से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। बताया गया कि रोडवेज के ड्राइवर को नींद आने पर दूसरे सामने से आ रही रोडवेज बस में जा भिड़ी, दूसरी रोडवेज सड़क किनारे खाई में गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रोडवेज बसों से निकाला और सभी घायलों को प्राइवेट जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर के चिट्ठा का है पूरा मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? एक्सीडेंट भैया, हम तो गए थे सो, ड्राइवर साइड है 3 सीटर, जब हमने देखा उठ के तो भैया एक्सीडेंट हुआ। किस किस में टक्कर हुई आपस में? किस किस में टक्कर हुई? रोडवेज, रोडवेज टकरा रही है, दिल्ली से जा रही थी, दिल्ली से उधर से बताइए कहा। आप किस में बैठे थे? हम बैठे थे जो दातागंज से आई है। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली रामपाल। कितने लोग घायल हुए इसमें? हाँ जी, कितने लोग घायल हुए? अब घायल होंगे हमें ना पता कितने हुए, वो तो बहुत।